Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss 6th chapter, page number 83. Check Rashi subtraction using addition. Give her a tick for every right answer. Check Rashi subtraction. Rashi ka subtraction ko check kijiye using addition. Lekin addition use karke. Give her a tick for every right answer. Or सही आंसर को आप टिक मार्क देना होगा. 384 माइनस 243. 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1. 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4. 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आप देखिए 384 से 243 माइनस करने के बाद कितना बचता है, 141. तो सेकंड स्टेप में देखिए 141 प्लस 243. अगर 141 से 243 को प्लस करने से 384 आता है तो फिर राशि ने जो सब्ट्रैक्शन किया तो वो सही है. तो फिर चलो चेक करते हैं. 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4. 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8. 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. 144 प्लस 243 दैट इज इक्वल टू 384. तो फिर जो राशि ने जो सब्ट्रैक्शन किया वो सही है, तो इसीलिए यहाँ पे टिक मार्क दिया गया. नेक्स्ट 468 माइनस 139 दैट इज इक्वल टू 221. तो राशि ने यहाँ पे माइनस किया, 468 से 139 को माइनस किया तो कितना बचा, 221. तो अभी ये जो सब्ट्रैक्शन सही है या गलत है हमको चेक करना होगा. तो कैसे, 221 प्लस 139 ये दोनों नंबर को हमको ऐड करना होगा. अगर 468 आता है तो राशि ने जो सब्ट्रैक्ट किया वो सही है, नहीं तो ये गलत है. 221 प्लस 139, 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 10, राइट डाउन 0 कैरी 1. 2 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6. 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. 360. तो लेकिन कितना आना चाहिए, 468, लेकिन यहाँ पे कितना आया, 360. तो फिर राशि ने यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट किया वो माइनस किया वो गलत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क दिया. 356 माइनस 247. तो 356 से 247 माइनस करने से कितना बचा, 119. तो फिर चलो देखते राशि का ये सब्ट्रैक्शन सही है या गलत है. तो फिर हमको क्या करना होगा, 119 से 247 ऐड करना होगा. 119 प्लस 247, 9 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 16, राइट डाउन 6 कैरी 1. 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6. 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. 366, लेकिन कितना आना चाहिए, 356. तो यहाँ पे जो राशि का जो सब्ट्रैक्ट किया वो गलत है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया. 468 माइनस 224 दैट इज इक्वल टू 244. तो राशि ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, 468 से 224 को माइनस किया तो कितना बचा, 244. तो ये जो सब्ट्रैक्ट वो सही या गलत है, तो फिर हमको चेक करना होगा. 244 प्लस 224 ये दोनों को ऐड करने से अगर 468 आता है तो राशि का ये सब्ट्रैक्शन सही है, नहीं तो गलत है. 244 प्लस 224, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8. 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6. 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4. 468 तो हमको कितना आना चाहिए, 468. तो फिर राशि पे यहाँ राशि ने यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट किया वो सही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया. फिल नेक्स्ट कम टू द सेवन नंबर. फिलिंग द मिक्सिंग नंबर्स इन द कलर बॉक्सेस. तो ये जो कलर बॉक्स में कुछ नंबर मिसिंग है तो फिर आपको वो मिसिंग नंबर लिखना होगा. 78 माइनस 3 देन, तो मिक्सिंग नंबर है कलर बॉक्स में मिक्सिंग नंबर लिखना होगा. तो फिर आप देखिए 80 से कौन सा नंबर माइनस करने से 5 आता है,
एट से थ्री माइनस करना से, तो फिर ये जो कॉलर बॉक्स है मैंने थ्री लिखा, सेवन माइनस थ्री दैट इज कॉल टू फोर, 45। देन कौन सा नंबर से सेवन माइनस करने से टू आता है, दैट इज नाइन, तो मैंने नाइन लिखा कॉलर बॉक्स में। देन कौन सा नंबर से कितना माइनस करने से थ्री आता है, तो फिर देखिए इलेवन से एट माइनस करने से थ्री आता है, और भी हो सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे इलेवन लिया क्योंकि यहाँ पे पहले से वन है। इलेवन माइनस एट दैट इज इक्वल टू थ्री। देन वी ऑलरेडी एक ले चुके हैं, तो वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फिर कौन सा नंबर से सिक्स, यहाँ पे सिक्स है, सिक्स से कौन सा नंबर माइनस करने से जीरो आता है, सिक्स माइनस सिक्स, तो यहाँ पे मैंने सिक्स लिखा। बाद में कौन सा नंबर से थ्री माइनस करने से सिक्स आता है, तो दैट इज नाइन। तो फिर और एक जो बॉक्स है आपको खुद ही फिलअप करना होगा। लेट्स डिलीवर लेटर्स, पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। लेट्स डिलीवर लेटर, चलो हम लेटर को बांटते। पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे, जो पोस्टमैन अंकल है उनको आज बीमार है, वो आज बीमार है। लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम, चलो उनके लिए, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम, लेकिन उनके लिए चलो हम लेटर बांटते, डिलीवर करते। तो यहाँ पे आप देखिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में बहुत सारा रूम है, हर रूम को नंबर किया गया, तो आप देख सकते हैं बहुत सारा रूम है तो सभी रूम को नंबर किया गया। राइट द करेक्ट रूम, तो सही राइट द करेक्ट, तो सही रूम लिखिए, राइट द करेक्ट रूम नंबर, तो आपको जो रूम का नंबर सही तरह से लिखिए ऑन लेटर से, तो लेटर में रूम का नंबर सही तरह से आपको लिखना होगा। देन फाइंड द रूम्स, बाद में हमको रूम ढूंढना होगा, इन द अबव बिल्डिंग, ऊपर जो बिल्डिंग दिया गया, एंड सर्कल दें, बाद में जो रूम ने आप ढूंढा वो रूम को आप सर्कल कीजिए। 445 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 455, तो आप चलिए 455 रूम, ये जो बिल्डिंग है कहाँ पे उसको सर्कल दीजिए। 456 माइनस 20, तो 456 माइनस 20 दैट इज कॉल्ड 436, तो देखिए 436 ये जो बिल्डिंग में कहाँ पे, तो वही रूम को आपको सर्कल देना होगा। देन 467 प्लस 11 दैट इज कॉल्ड टू 478, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा बिल्डिंग है यहाँ पे कहीं पे 478 रूम है, तो वहाँ को आपको सर्कल करना होगा। देन 480 माइनस 9, 480 माइनस 9 दैट इज कॉल टू 471, तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो बिल्डिंग है तो वहाँ पे कहाँ से 471 है, तो वहीं पे आप सर्कल दीजिए। देन 461 प्लस 25, तो 461 से 25 ऐड कीजिए, 1 प्लस 5 दैट इज कॉल टू 6, देन 6 प्लस 2 दैट इज कॉल टू 8, देन 486, तो यहाँ पे देखिए ये जो बिल्डिंग है तो यहाँ पे कहाँ पे 486 है, तो वही रूम को आपको सर्कल बनाना होगा। इसी तरह आप यहाँ पे जो दो नंबर दिया गया तो हर रूम पे, तो वो नंबर को कहीं पे माइनस करना है तो माइनस करेंगे, कहीं पे प्लस करना है तो प्लस करेंगे, बाद में यहाँ पे ऊपर जो बिल्डिंग है रूम दिया गया तो आपको चेक करके वो रूम में आपको सर्कल करना होगा। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, फाइंड
फाइंड द मिसिंग नंबर्स, लुक एट द नंबर पैटर्न, राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे नंबर पैटर्न दिया गया है, ये नंबर पैटर्न देखो आपको जहाँ पे मिसिंग नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है तो वहाँ पे आपको नंबर लिखना होगा। 100 + 200 + 300 देन डैश डैश 600 देन डैश 100 + 200। तो ये जो नंबर सीजिए पहला दो नंबर आप देखिए 100 देन 200, तो 100 से कितना प्लस करने से 200 आता है, दैट इज 100। तो फिर बाद में 200 से कितना प्लस करने से 300, दैट इज 100। तो 300 से कितना प्लस करने से 400 आएगा, 100। 400 से कितना प्लस करने से 500 आएगा, 400 से कितना प्लस 100 प्लस कितना आता है 500। देन 600 से 100 प्लस करने से कितना आएगा, दैट इज 700। देन बी 900 800 700। तो पहला दो जो नंबर सीजिए पहला दो नंबर आप देखिए 900 एंड 800। 900 से 800 जो है कितना कम है, 100 कम। 800 से जो 700 कितना कम है, 100 कम। तो फिर तो मतलब 900 से 100 माइनस करने से 800 आता है, 800 से 100 माइनस करने से 700 आता है। तो इसी तरह 700 से माइनस 100 करने से 600, 600 से माइनस 100 करने से 500, 500 से 100 माइनस करने से 400, 400 से माइनस 100 करने से 300। देन सी 50, 100, 150, 200। तो फिर बाद में कौन सा नंबर आएगा, तो आप पहला दो नंबर देखिए नंबर सीज में 50, 100। तो 50 से 100 कितना ज़्यादा है, 50। तो मतलब 50 से अगर 50 ऐड करेंगे तो फिर 100 आता है। तो 100 से 50 ऐड करने से 150, 150 से 50 ऐड करने से 200। तो फिर यहाँ पे 200 से 50 ऐड करने से 250, 250 से 50 ऐड करने से 300, 300 से 50 ऐड करने से 350, 350 से 50 ऐड करने से 400। देन डी 300, 250, 200। तो बाद में कौन सा नंबर आएगा, तो फिर जो नंबर सीजिए पहला दो नंबर है देखिए 300, 250। तो 300 से कितना माइनस करने से 250 आता है, दैट इज़ 50। सो 250 से कितना माइनस करने से 200 आता है, दैट इज़ 50। तो फिर यहाँ पे तो इसी तरह आपको करना होगा 200 - 50 दैट इज़ इक्वल टू 150, 150 - 50 दैट इज़ इक्वल टू 100, 100 - 50 दैट इज़ इक्वल टू 50। देन 25, 35, 45 - तो फिर 25, 35 देखिए, तो 25 से कितना ऐड करने से 35 होता है, दैट इज़ 10। तो 35 से 10 ऐड करने से कितना होता है, 45। तो अभी देखिए 45 से 10 ऐड करने से 55, 55 से 10 ऐड करने से 65। तो कौन सा नंबर में 10 ऐड करने से 25 आता है, दैट इज़ 15। तो पहले 15 लिख दीजिए। देन 8, 208, 260, 240। तो 208 और 260 कितना डिफरेंस है आप देखिए, 208 से 20 माइनस करने से 260, 260 से 20 माइनस करने से 245, 40। तो 240 से आप 20 माइनस कीजिए, फिर जो नंबर आते हैं उससे 20 माइनस, इसी तरह ये सीरीज को फिलअप कीजिए। देन जी 125, 150, 175, 200। तो 100 पहला दो नंबर में पहला दो नंबर देखिए 125, 150। तो 125 से कितना आर करने से 150 आता है, दैट इज़ 25। तो 150 से 25 आने से 175। तो यहाँ पे 200 दिया, 200 से 25 आर करने से 225, 250 से 25 आर करने से 200। तो इसी तरह आपको ये जो सीरीज है इसको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 80 - 35 दैट इज इक्वल टू 45, तो 45 + 35 दैट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। 75 - दैट इज इक्वल टू 50। तो 75 से कितना माइनस करने से 50 आता है, दैट इज 25।
तो मैंने 25 लिख दिया, 50 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 75, देन 50 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 100, 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 50, 320 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 200, तो 200 से 120 ऐड करने से कितना होता है 320। प्रैक्टिस टाइम, इंदुस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, हुज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर। हिंदूस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो हिंदू का जो पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्योति का जो पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हुज पेंसिल इज लॉन्गर, तो फिर किसका पेंसिल ज़्यादा लंबाई है, तो दैट इज हिंदू का, क्योंकि हिंदू का 15 सेंटीमीटर और ज्योति का 18 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर, कितना ज़्यादा लंबाई है, 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 7, तो हिंदू का जो पेंसिल है 7 सेंटीमीटर लॉन्गर है। आक्स योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, व्हिच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। आक्स योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, तो आपका मम्मी या पापा को पूछिए तो 1 किलोग्राम सॉल्ट का प्राइस कितना है और 1 किलोग्राम शुगर का प्राइस कितना है, व्हिच वन इज मोर कॉस्टली, तो फिर दोनों में तो कौन सा का प्राइस ज़्यादा है, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, तो फिर कितना ज़्यादा है। अजय कुक चपाती इन 25 मिनट्स, देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। अजय कुक चपाती इन 25 मिनट्स, तो अजय ने चपाती बनाने के लिए 25 मिनट लेता है, देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, बाद में वो दाल बनाने के लिए 50 मिनट ही लेता है, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ द थिंग्स, तो अजय ने दोनों चीज़ बनाने के लिए कितना टाइम लेगा, तो फिर चपाती बनाने के लिए कितना टाइम लेता है 25, दाल बनाने के लिए 50 मिनट, तो 25 प्लस 50 दैट इज कॉल्ड 40, तो अजय को दोनों चीज़ बनाने के लिए 40 मिनट लगेगा। चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 डेज, सी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर, सो लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 डेज, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 डेज। चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर, तो चंचल ने जो स्कूल का जो स्वेटर है वो बेचता है, इन 2 डेज सी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर, तो चंचल में 2 दिन में कुछ ग्रे कलर का, रेड कलर का और ब्लू कलर का स्वेटर बेचा। स्वेटर सोल्ड ऑन फास्टेज, तो चंचल ने पहला दिन से कौन सा स्वेटर, कलर का स्वेटर कितना बेचा, रेड कलर का 38, ब्लू 66, ग्रे कलर 74। स्वेटर सोल्ड ऑन सेकेंड डे, तो चंचल ने सेकेंड दिन में कौन सा कलर का कितना स्वेटर बेचा, रेड कलर 40, ब्लू कलर 23, ग्रे कलर 89। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 डेज, तो चंचल ने 2 दिन में कितना ग्रे कलर का स्वेटर बेचा, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 डेज, क्या चंचल ने 2 दिन में रेड ब्लू स्वेटर से रेड स्वेटर ज़्यादा बेचा, तो फिर आपको बताना होगा। हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे, तो चंचल ने तो पहला दिन कितना ग्रे और रेड स्वेटर दोनों मिलाकर कितना बेचा, मोर देन 120 या लेस देन 120, क्या वो 120 से ज़्यादा है या 120 से कम है, टिक द राइट आंसर, तो दोनों में जो सही है आप उसको टिक कीजिए, मोर देन 120 या लेस देन 120। हाउ मेनी स्वेटर इन ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकेंड डे, तो टोटल चंचल ने द सेकेंड दिन में तो सभी कलर मिलाकर कितना स्वेटर बेचा, मोर देन 140 और लेस देन 140, 140 से ज़्यादा
या 140 से कम। टिक द राइट आंसर, तो फिर सही आंसर को आप टिक मार दीजिए। मोर देन 140 या लेस देन 140।